चाहे कड़कती सर्दी हो दिल्ली की या फिर चिल वाइब्स हो बॉम्बे की, स्वेटशर्ट्स और हुडीज ऐसी स्टाइल पीसेस हैं जो हर कोई पहनता है और एंजॉय करता है। हाय, माय नेम इज़ वैभव केसवानी और मैं स्टाइल कोच, और आज की वीडियो में मैं आपको 10 स्वेटशर्ट्स और हुडीज दिखाने वाला हूँ इन टोटल, जो स्टार्ट होंगी लिटरली 600 रुपये से। दे आर इन बजट एंड दे आर वर्सेटाइल। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने ओवरऑल वेराइटी बहुत ज़्यादा रखी है, सॉलिड्स भी हैं, प्रिंटेड भी हैं, बॉक्सी फिट भी है, स्लिम फिट्स भी हैं, ताकि आप अपनी स्टाइल चॉइसेस, अपनी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से प्रेफर्ड हुडीज या फिर स्वेटशर्ट ईजिली ले पाएँ। और अगर ये जानना है कि इन हुडीज और स्वेटशर्ट्स को कैसे स्टाइलिश तरीके से पहन सकते हैं, देन मेक श्योर यू चेक आउट माय इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ द फर्स्ट पीस ऑन माय लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्वेटशर्ट इन वाइट विच सेज मेक आर्ट नॉट वॉर। वैसे भी ऐसी टाइपोग्राफी जो स्वेटशर्ट्स हुडीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, बट इसका जो प्रिंट है ना वो बहुत ज़्यादा लाउड या हैवी नहीं है। इट्स वेरी नाइस, वेरी मिनिमलिस्टिक, खासकर अगर आपको कॉलेज एक्सेट्रा में पहनना है, देन दिस इज वन स्वेटशर्ट दैट यू कैन डेफिनेटली एड ऑन इन योर वार्डरोब। और वाइट स्वेटशर्ट की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसके ऊपर भी आपको लेयरिंग करने की ज़रूरत है, देन वाइट इज वन स्वेटशर्ट दैट इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ योर लुक्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये मुझे स्वेटशर्ट 622 रुपीज़ की पड़ी थी, मतलब मेरी टी शर्ट्स जो रेगुलर टी शर्ट्स हैं वो भी आजकल 2000 की रेंज में आती है, बट क्योंकि आजकल डिस्काउंट सेल्स एक्सेट्रा चल रही है, सो दिस वन आई ओनली गॉट फॉर ₹622 एंड द क्वालिटी इज क्वाइट गुड फॉर द प्राइस। मूविंग ऑन टू समथिंग बेसिक बट ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है और वर्सेटाइल भी, द वन हुडी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस ग्रे हुडी विद अ जिपर। नाउ इसकी वर्सेटाइलिटी ऐसी है कि अगर आपको अपना दोस्तों के साथ चिल करने कहीं जाना है तो आप पहन सकते हो, जिम जाना है तो पहन सकते हो, बिकॉज जिपर एक्चुअली ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कर देता है आपकी हुडी की वाइब को। अगर आपको इसको जिप अप करना है दैट इज समथिंग यू कैन डू, इफ यू वांट टू जिप इट डाउन दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन यू विल ऑलवेज हैव। ये हुडी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है फॉर द प्राइस पॉइंट, क्योंकि ये मेरे को 750 के आसपास पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट, एंड इट इज थिक, सो इसकी यूटिलिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी है जितना इसका स्टाइल है। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो जिपर हुडीज होती है ना, यू कैन एक्चुअली ओपन इट, इसके ऊपर एक और लेयर पहन सकते हो और साथ में आपकी व्हाइट टी शर्ट या सॉलिड टी शर्ट अंदर जो दिख सकती है, विच एक्चुअली मेक्स योर एंटायर लुक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू माई पर्सनल फेवरेट हुडी फ्रॉम दिस कलेक्शन, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस डार्क ग्रीन हुडी विद ब्लैक डिटेल गिवन ओवर हियर। ये मेरे लिए फेवरेट इसलिए मैंने बोली है बिकॉज फर्स्टली इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, साथ ही साथ जो इसकी डिटेलिंग है ना वो काफ़ी मिनिमल है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, समथिंग दैट आई पर्सनली लव अ लॉट। दिस इज़ वन ऑफ दोज हुडीज जो आप अपनी चीनोज के साथ भी पहन सकते हैं और डिस्ट्रेस्ड जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, दैट इज़ द वर्सेटैलिटी दिस वन हैज़ टू ऑफर। और साथ ही साथ अगर इसको आप पार्टीज एक्सेट्रा में भी स्टाइल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत ऐसी कम हुडीज और स्वेटशर्ट होती हैं जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप उनको पार्टीज एक्सेट्रा के लिए पहने। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन आउट ऑफ ऑल दीज, बट इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट बिकॉज जो इसका कपड़ा है और जो इसकी स्टाइलिंग है एंड द फिट इज समथिंग विच डिजर्व्स दैट मच ऑफ अमाउंट। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, इस वीडियो में आपको वैरायटी बहुत बढ़िया मिलने वाली है, सो द नेक्स्ट वन इज दिस ब्लू स्वेटशर्ट एंड इट इज समथिंग विच इज वेरी मच ट्रेंडिंग। आगे छोटा सा पैच होता है विच एक्चुअली टेल्स एंड विच एक्चुअली कनेक्ट्स व्हाट इज देयर ऑन द बैक, सो दिस हैज़ अ वेरी बोल्ड वाइब व्हेन इट कम्स टू द प्रिंट्स। जो कलर स्कीम वगैरह भी यूज करिए ना, इट हैज़ अ वेरी बोल्ड वाइब, बट एट द सेम टाइम बिकॉज का ब्लू है जो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और सटल है, ये बहुत ईजिली ना काफ़ी ज़्यादा जगहों पर और काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आप इजीली कैरी कर सकते हो। इस पे एक्चुअली काफ़ी कलाकारी हो रखी है और काफ़ी डिटेल्ड है, बट येस इट हैज़ अ रॉ वाइब, तो अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल या सटल सी पर्सनैलिटी है तो शायद ये नहीं जाएगा, बट येस इफ यू आर समवन हु इज विलिंग टू फॉलो ट्रेंड्स या कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, देन दिस इज वन स्वेटशर्ट दैट आई वुड हाईली रिकमेंड। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ईजी है इसको अफोर्ड करना बिकॉज ये मुझे 700 के आसपास पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट, तो 700 रुपये में अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, दैट इज़ अ ग्रेट स्टेप फॉर यू। इवन द हुडीज और स्वेटशर्ट्स की कोई टिपिकल एज रेंज नहीं होती, 15-16 साल से लेके आप 40-45-50 तक भी बहुत ईजिली स्टाइल कर सकते हो, बट इस वाली जो वीडियो का एक मेरा मेन मोटिव ये भी था कि जो खासकर कॉलेज गोइंग लोग हैं ना, जिनको बहुत सारी वैरायटी चाहिए होती है, उनको वैरायटी मिल जाए, एंड दैट इज़ वन मेजर रीजन द प्राइस पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी हुडी एंड स्वेटशर्ट इज एक्चुअली क्वाइट इकोनॉमिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इकोनॉमिक वन दैट आई हैव फॉर यू इज दिस ब्लैक स्वेटशर्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड जिप। नाउ ये
स्टेटमेंट पीस है, ये आप हर रोज नहीं पहन सकते, पर क्योंकि दिसंबर का महीना है जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे कॉलेज फेस्ट एक्सेट्रा भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी स्वेटशर्ट ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। यू डू नॉट रियली नीड टू पुट अ लॉट ऑफ ब्रेन्स टू इट कि इसको कैसे स्टाइल करना है एक्सेट्रा, बट यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट सिंपली बिकॉज इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल दे रखी है विच मेक्स दिस वन स्टैंड आउट वेरी इजीली। ये मुझे सिर्फ 600 रुपये की पड़ी थी और ये ना बहुत ज़्यादा थिक या हैवी नहीं है, तो ऐसी जगह पे अगर आप पहनना चाहते हो जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो भी आप पहन सकते हो, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इसके ऊपर आप लेयर कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स जब पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है, माहौल बन चुका है, तब आप अपनी लेयर उतार सकते हो एंड दिस स्टाइल विल बी रिवील्ड देन। इवन दो विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हम डार्क कलर्स प्रेफर करते हैं, मुझे पर्सनली ना वाइट्स विंटर में पहनने में आजकल बहुत मज़ा आ रहा है, एंड दैट इज़ वन मेजर रीज़न वाई आई ऑल्सो एडेड दिस हुडी टू माई यू नो लिस्ट, बिकॉज एक तो इसमें ना जो प्रिंट दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगता है, हालांकि ये कुछ लोगों के लिए प्रिंट थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी वेरी कूल टू वेयर कॉलेज में पहनना है या फिर एयरपोर्ट लुक के लिए, दिस इज वन हुडी दैट आई वुड हाईली रिकमेंड, स्पेशली नाउ दैट लॉट ऑफ यू मस्ट बी ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। ये मुझे 850 के करीब मिली थी, द क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, एंड सिंस ये वाइट है ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, आप इसको ईजिली स्टाइल कर पाएंगे विदाउट अ लॉट ऑफ थिंकिंग। अब एयरपोर्ट लुक की बात की है तो वेकेशन की बात भी कर ही देते हैं, वन हुडी दैट आई वुड पर्सनली वेयर इफ आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे राइट नाउ इज दिस वन, बिकॉज एक तो इसका कलर ना काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है हमारी नॉर्मल जो हुडीज या स्वेटशर्ट्स होती हैं उससे, सेकेंडली इट्स सेज क्वारंटीन एंड चिल, समथिंग आई पर्सनली फील कि यार ये ऐसा महीना है दिसंबर का जहाँ पे ना सिर्फ चिल ही करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ शुड बी वेरी मच ईजी गोइंग, एंड वन हुडी दैट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स दैट मूड इज दिस वन। इसको स्टाइल करते वक्त बस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसका ना कलर थोड़ा लाउड है हमारी रेगुलर विंटर कलर से, तो जब भी आप इसको स्टाइल कर रहे हो न्यूट्रल्स के साथ करना या फिर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और बेसिक चीज़ें पहनना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द हाईलाइट ऑफ योर आउटफिट, ना इसके साथ बहुत रंग बिरंगी जूते पहनना, ना ही कोई बड़ी फैंसी सी जैकेट पहनना। नेक्स्ट अप इज अ वेरी फैशनेबल स्वेटशर्ट, नाउ व्हेन आई से फैशनेबल वो अभी करंट ट्रेंड्स के हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द फिट दिस वन हैज। नाउ दिस वन हैज अ बॉक्सी फिट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैमल कलर है, व्हिच इज समथिंग इज हैज बीन ट्रेंडिंग इन अ लॉट ऑफ लग्जरी ब्रांड्स आल्सो, तो जब आप ये पहनोगे ना तो एक्चुअली ऐसे लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और काफी ज्यादा प्रीमियम चीज है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पॉकेट डिटेल। दिस स्वेटशर्ट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्सो जो ये ओवरऑल इसमें पैटर्न दिया हुआ है ना इसकी फ्लीस का, ये एक ऐसा स्टाइल है जो पिछली विंटर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इस विंटर्स में भी काफी ट्रेंड में है। ना ब्लैक एक कॉमन कलर है जो सबकी पसंद होता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉन्ड ऑफ ब्लैक ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू वेयर। अगर उस ब्लैक को थोड़ा और स्टाइलिश दिखाना है, बेसिक नहीं रखना है, देन दिस इज वन स्वेटशर्ट दैट यू कैन गो फॉर बिकॉज इट हैज सम वेरी इंटरेस्टिंग कलर डिटेल्स टू इट व्हिच मेक्स दिस स्वेटशर्ट looks very very stylish and minimal at the same time. Again, this is a very trending piece और ये जो prints का culture है ना, एक चीज़ आपने notice करी होगी, काफ़ी बार prints ना कुछ बहुत ही deep चीज़ें कहते हैं। For example, this one has a very minimal print but it says happiness can't be bought, you have to grow it in your heart. So these are the kind of details which also tells the ideology and personality of a person who is wearing it. So this is a very deep and a very nice and a meaningful sweatshirt that I personally feel a lot of you can have and style it. इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम ब्रांड, सो दे डिलीवर द सिमिलर क्वालिटी, और ये 650 रुपये के आसपास मिल गई थी। अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल एंड समथिंग विच आई वुड से इज अ मस्ट हैव दिस विंटर्स। करीब 4 साल पहले एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड की हुडी मुझे पसंद आई थी ना, क्योंकि वो बहुत महंगी थी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने नहीं ली, बट मेरा दिल ना उस पर आ गया था। सो द ओनली रीजन वाई आई लव दैट हुडी वॉज द कलर, और लिटरली अब जाके मुझे सेम कलर, लिटरली सेम कलर की हुडी मिली है। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑल्सो द लास्ट पीस इज दिस वन। नाउ ऑफ कोर्स उसका फैब्रिक क्वालिटी और इसके फैब्रिक क्वालिटी में फर्क है, बट दिस इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट कलर, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये मुझे सिर्फ 750 रुपए के आसपास मिली थी। दिस इज अ वेरी एक्सक्लूसिव एंड अ प्रीमियम कलर, ब्राउन इज समथिंग विच एक्चुअली एलिवेट्स योर इंटायर लुक बाय मेकिंग इट लुक मोर फैशनेबल एंड इंटरेस्टिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज वेरी स्टाइलिश एंड यूनिक but not very out of the box at the same time, this is one hoodie that you can easily add in your wardrobe.
दैट वॉज मेजरली अबाउट 10 बजट स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज. नाउ टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी, आप कौन सी स्टाइल करने वाले हो. जब स्टाइल करो तो इंस्टाग्राम पे मुझे एक फोटो भेज देना, अगर मुझे पसंद आई तो मैं अपनी स्टोरी में ज़रूर डालूंगा. और इंस्टाग्राम पे जब फोटो भेजो ना तो उसमें लिख देना कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल से ये वीडियो देख के फिर स्टाइल करी है. एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ इट. सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश.